हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेब एफिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि लारावेल में कैश फ्री पेमेंट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जो है लारावेल के अंदर में कैश फ्री पेमेंट जो है, पेमेंट गेटवे, वो लारावेल में कैसे इंटीग्रेट होता है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बेसिकली दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, इसके ऊपर हमने ब्लॉग भी बना के रखा हुआ है, और दोस्तों आप ब्लॉग के साथ साथ वीडियो को भी फॉलो भी कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए, और दोस्तों चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मेरे पास लारावेल 9 ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट करके रखा हुआ है, क्लोन करके यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन जो है यहाँ पे क्लोन किया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे मैं जो है वन बाय वन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको क्या करना है। तो पहला स्टेप है यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। दूसरा जो है दोस्तों एपीआई की, ठीक है, तो ये एपीआई की के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोफाइल के बाद यहाँ पे आपको कोड में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है आपका एपीआई की जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपका एपीआई की आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। दूसरा, एपीआई की के बाद यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी हमने एपीआई जो की है वो दे रखी है, तो वो चीज़ हमको यहाँ पे रखनी है। सिंपली दोस्तों, यहाँ पे जो है ENV फाइल के अंदर आपको यहाँ पे जो अपनी की है वो आपको यहाँ पे रखनी है, और मेरी की यहाँ पे मैं वापस एक बार जो है रिप्लेस कर देता हूँ अगर कोई गड़बड़ी ना हो तो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पेस्ट करके रखी हुई है। सीक्रेट की वो भी हमको यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ हो गई, इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाना है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। सिंपली मैं एक CMD ओपन कर लेता हूँ, और मेरा कंट्रोलर बनाऊंगा यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेरा कंट्रोलर दोस्तों यहाँ पे बनेगा डेस्कटॉप के ऊपर, हमारा एग्जाम्पल ऐप नाम का फोल्डर, और यहाँ पे कैश फ्री पेमेंट कंट्रोलर वो यहाँ पे बनेगा। उसके अंदर दोस्तों हम पूरा जो कोडिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जो है अपना कैश फ्री पेमेंट कंट्रोलर यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया है इसके अंदर राउट बनाना है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हम कर रहे हैं। राउट के लिए आपको जो है राउट्स के अंदर web.php फाइल के अंदर आपको यहाँ पे कैश फ्री पेमेंट कंट्रोलर वो चीज़ आपको रखनी है, और ये जो है दोस्तों यहाँ पे 3 राउट। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन समझाता हूँ कि ये चीज़ मैंने क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कैश फ्री पेमेंट क्रिएट किया है, और यहाँ पे स्टोर किया है, और ये जो है सक्सेस रिस्पॉन्स जो है उसका वापस आया है वो यहाँ पे मैं एनी मेथड पे लिया हूँ, मतलब गेट पोस्ट को भी मेथड वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे की है। उसके बाद जो है वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे दोस्तों दिखाता हूँ, हमने कैश फ्री पेमेंट जो कंट्रोलर यहाँ पे बनाया था वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो पहला फंक्शन है, ठीक है, क्रिएट का है, मतलब यहाँ पे हमने ब्लेड फाइल जो है क्रिएट की है, और यहाँ पे इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये जो ब्लेड फाइल है वो मैं बाद में क्रिएट करता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा जो चीज़ है स्टोर किया है हमने रिकॉर्ड, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे प्रॉपरली एक बार कॉपी कर देता हूँ, देखिए। और यहाँ पे दोस्तों दिया गया है वो चीज़ जो है सैंडबॉक्स, और ये प्रॉपरली फॉलो किया गया है इसके डॉक के बेस पे, जो कैश फ्री पेमेंट का जो डॉक है उसके बेस पे पूरा प्रॉपरली यहाँ पे फॉलो किया गया है। और यहाँ पे जो है क्रल का यूज़ किया है, क्रल के बाद जो दोस्तों सारा कुछ रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ जो है कुछ ऐसे मुझे मिला है, नेम, ईमेल, मोबाइल, अमाउंट सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर वगैरह सब कुछ, और इसके बाद जो है यहाँ पे रिटर्न पेमेंट के ऊपर डायरेक्ट होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है सक्सेस रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे प्रॉपरली की है। उसके बाद पेमेंट क्रिएट blade.php, ये जो फाइल दोस्तों यहाँ पे ऊपर बनाई है वो यहाँ पे अभी मैं बना रहा हूँ। रिसोर्स के अंदर, व्यू के अंदर आपको यहाँ पे फाइल बनानी है पेमेंट blade.php, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे बना ली। और ये जो फाइल है वो मैं कॉपी करके वापस एक बार यहाँ पे रखता हूँ, देखिए। और इसके अंदर सारा फॉर्म वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पे बना रखा है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, क्योंकि ये जो कमांड मतलब यहाँ पे राउट जो बनाया है उसके यूज़ पे यहाँ पे हमने बनाया है पेमेंट क्रिएट ब्लेड डॉट पी एच पी का राउट, जो सारा कुछ है इस फाइल में दिया गया है, तो सारा कुछ वहीं से आता है। तो ये चीज़ हुई। सिंपली ये चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आपको एक बार PHP आर्टिजन सर्व करके रन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने रन किया और हमारा रन हुआ। यहाँ पे दोस्तों सारा कुछ अगर आपको यहाँ पर डालना है तो वो चीज़ हम यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आता है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं डेटा वगैरह सब कुछ डालता हूँ, धर्मेश डाला और धर्मेश@gmail.com, ठीक है, ये चीज़ डाला, और 1234567899। अमाउंट दोस्तों यहाँ पे मैं 150 डाल रहा हूँ, और प्लेस ऑर्डर करता हूँ दोस्तों यहाँ पे।
जैसे ही प्लेस ऑर्डर किया और यहाँ पे कुछ दोस्तों मुझे प्रॉपर्टी का जो एरर है पेमेंट लिंक का वो यहाँ पे मुझे मिला है, तो उसको मैं पहले फिक्स करता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो एरर आया है उसको यहाँ पे कुछ ऐसे ही हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो एरर है वो है यहाँ पे मोबाइल नंबर शायद मैंने 9 डिजिट का डाला था उसका एरर है, तो वापस दोस्तों मैं यहाँ पे 10 डिजिट कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ हो जाने के बाद ये जो है कैश फ्री पे रिडायरेक्ट हुआ, ठीक है, 150 का पेमेंट। और यहाँ पे जो चीज़ आई है पेमेंट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है कुछ ऐसा, तो वो चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, 444 और 321 ये चीज़ हुई। और उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा नेम जो है वो मैं डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमने डाली। और इसके बाद जो है यहाँ पे मंथ और ईयर, ठीक है, यहाँ पे कुछ OTP भी आप CVV भी डाल सकते हैं। और पे नाउ किया दोस्तों, यहाँ पे OTP हमको पूछा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ OTP वगैरह सब कुछ आता है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सिंपली। और योर पेमेंट इज सक्सेसफुली, और दोस्तों ये जो है अपने रिडायरेक्ट होके अपने सक्सेस का जो URL हो यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो सक्सेस के URL पे यहाँ पे रिडायरेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे जो है सक्सेस होके अपना पेमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है। सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने फॉर्म बनाया हुआ है, ये जो आपको यहाँ पे फॉर्म दिख रहा था, फॉर्म, ईमेल, मोबाइल, अमाउंट, ठीक है, वो सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे था। दूसरा जो चीज़ है दोस्तों यहाँ पे स्टोर के मेथड के अंदर आपको यहाँ पे सैंडबॉक्स का यूआरएल दिया है कैश फ्री के लिए, ठीक है। ऑर्डर मैंने यहाँ पे दोस्तों किया, हैडर सेटअप किया, ठीक है, हैडर के अंदर एक्स क्लाइंट आईडी, सीक्रेट आईडी, वो सारा कुछ किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जेसन एनकोड किया, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट, करेंसी, मतलब ये जो फील्ड है दोस्तों आपको यहाँ पे API के अंदर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फील्ड है वो मैंडेटरी है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिटर्न URL जो है वो भी मैंने यहाँ पे दिया, क्योंकि पेमेंट का रिटर्न URL सक्सेस में यहाँ पे आया था, तो ये चीज़। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर मुझे प्रॉपरली सेटअप मिलता है तो यहाँ पे मैं जो है रिडायरेक्ट जेसन पेमेंट लिंक मुझे अलग से मिलती है, उसके ऊपर मैं रिडायरेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मुझे सक्सेस का मैसेज आता है प्रॉपरली मैं अगर पेमेंट करता हूँ तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे दोस्तों थी। आप यहाँ पे पेमेंट कुछ ऐसे कर सकते हैं कैश फ्री के अंदर। दोस्तों यहाँ पे जो है एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने पेमेंट किया, उसका सेटलमेंट सब कुछ आपको जानना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आपको डॉक वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है, तो उसको हम फॉलो करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो सेटलमेंट करके यहाँ पे कॉलम है, और यहाँ पे दोस्तों अगर आप PHP सिलेक्ट करेंगे तो उसका जो कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे दोस्तों आ जाता है। तो सिंपली दोस्तों इसको हम फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉपरली सारा कुछ दिया गया है तो फॉलो करने के लिए, तो इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने यहाँ पे फंक्शन जो है सक्सेस का उसके अंदर मैं रखता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे जो है वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए यहाँ पे हेडर वगैरह सब कुछ, एप्लीकेशन जेसन, API वर्जन, सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे सेटअप किया है, ठीक है, और ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रॉपरली सेटअप की है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको रिक्वेस्ट ऑल के अंदर जो मिला है वो आपको यहाँ पे देना है आईडी, क्योंकि यहाँ पे आपको आईडी देना पड़ेगा। तो आईडी देने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है गेट मेथड उसके अंदर, और अपना यहाँ पे जो आपको देना है अपना ऑर्डर आईडी, क्योंकि ऑर्डर आईडी के थ्रू ही हम यहाँ पे सेटलमेंट कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो चीज़ है एक्स क्लाइंट आईडी, ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ऑलरेडी दिया हुआ है एक्स क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी, तो दोनों चीज़ दोस्तों यहाँ से कॉपी करता हूँ सिंपली, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दोनों चीज़। देखिए यहाँ पे हमने कॉपी किया और सिंपली यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ये चीज़ यहाँ पे दोस्तों मैंने ली। और यहाँ पे दोस्तों अरे के अंदर मैं प्रॉपरली सेटअप कर रहा हूँ इसको। देखिए तो यहाँ पे ये चीज़ हुई सिंपली। दोस्तों इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉपरली कैसे काम करता है, ताकि आपको भी पता चले कि यहाँ पे अगर हमने ऑर्डर आईडी वगैरह सब कुछ दिया है तो कैश फ्री का यूज़ करके हम यहाँ पे कैसे उसका डेटा वगैरह सब कुछ पा सकते हैं। सिंपली दोस्तों इसको मैं रिलोड करता हूँ। देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रॉपरली डेटा आ चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं जेसन डिकोड करता हूँ ताकि प्रॉपरली पता चले हमको, जेसन डिकोड, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मैं DD करता हूँ ताकि प्रॉपरली फॉर्मेट में दिख जाए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमने जो प्रॉपरली जो हमने सेटअप किया था वो पेमेंट आईडी, सेटलमेंट आईडी, सेटलमेंट हुआ है, ऑर्डर अमाउंट था हमारा 150 का, करेंसी था INR, ऑर्डर आईडी ये था, पेमेंट डेट टाइम, सर्विस चार्ज दोस्तों यहाँ पे 2.85 यहाँ पे दिया गया है, सेटलमेंट अमाउंट 147.15 और सेटलमेंट करेंसी। तो यहाँ पे दोस्तों ये इसका स्टेटस भी आप जान सकते हैं सेटलमेंट हुआ है कि नहीं, सारा कुछ दोस्तों आप स्टेटस जो है यहाँ पे दोस्तों उसका पूरा डॉक्स दिया गया है, उसके बेस पे आप अपना
जो पेमेंट का स्टेटस वगैरह सब कुछ जो है दोस्तों आप यहाँ पे जान सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर दोस्तों आप यहाँ पे रन करते हैं तो मैं आपको वो चीज़ भी आपको दिखाता हूँ। CF पेमेंट आईडी हमको यहाँ पे पूछा है, तो वो चीज़ ये है देखिए। और ऑर्डर आईडी है हमारा, यहाँ पे है ऑर्डर आईडी। और क्लाइंट आईडी यहाँ पे था ENV फाइल के अंदर, तो वो चीज़ हमको यहाँ पे देनी है। और सीक्रेट आईडी हमारा ये, वो चीज़ भी हमको यहाँ पे देनी है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं ट्राई आउट करता हूँ देखिए, और रिस्पॉन्स यहाँ पे भी आएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रॉपरली उसका जो फॉर्मेट वगैरह सब कुछ है वो यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसको आप DD करके भी दोस्तों देख सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ सिंपली, और आप उसका स्टेटस वगैरह सब कुछ भी जान सकते हैं। सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और उसका स्टेटस वगैरह सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। ऑर्डर आईडी सब कुछ यहाँ पे हमने सेटअप किया था, क्लाइंट आईडी, सीक्रेट आईडी। और दोस्तों यहाँ पे जो है जेसन डिकोड करके मैं आपको दिखाता हूँ। डिकोड सिंपली दोस्तों यहाँ पे DD किया, और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ ऐसे काम करता है वो। आपको दोस्तों यहाँ पे प्रॉपरली उसका पता चल जाएगा कि पेमेंट का स्टेटस जो है सक्सेस है, क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, INR 150 का अमाउंट था, कैप्चर हुआ है कि नहीं, ठीक है, एंटिटी पेमेंट, CF पेमेंट आईडी, सारा कुछ दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपने पेमेंट बनाते समय जो जो चीज़ यूज़ किया था वो सारा कुछ दोस्तों आपको यहाँ पे स्टेटस के रूप में मिल जाएगा। उसके बेस पे आप उसका प्रोजेक्ट का जो आगे का डायरेक्शन है वो यहाँ से आप तय कर सकते हो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो चीज़ भी यहाँ से क्रल से की गई हुई है। देखिए यहाँ पे जो उसका डॉक्यूमेंटेशन में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, तो आप ये चीज़ यूज़ करके आप डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे जो चीज़ दिया गया है पैरामीटर सब कुछ वो चीज़ आप यूज़ करके अपना जो है स्टेटस जान सकते हैं ऑर्डर आईडी के थ्रू। तो दोस्तों ये था कैश फ्री पेमेंट, और दोस्तों कुछ ऐसे काम करता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।